हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग। साथी तारीख है 7 जनवरी, सुबह के 10:45 का वक्त हो रहा है। मेरी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में, मैं उठता था रोज सुबह के 4 बजे जब मेरा काम होता है, या फिर जब मैं काम पर जाता हूँ। और यहाँ पर जब से मैं अपना वेकेशन चालू किया हूँ, मैं उठ रहा हूँ 10 बजे, 10:30 बजे, कभी कभी 11 बजे। तो आदत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बट एनीवे, वेकेशन है तो अपने आप को थोड़ा लेट्स बी ईजी ऑन आवरसेल्फ। आज हम लोग का प्लान है, अभी हम लोग लखनऊ में हैं। आज हम लोग का प्लान है जाने का एक मॉल, शॉपिंग मॉल, वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम पास करेंगे। तो चाहते हैं उसको भी चेकआउट करते हैं। तो आज की वीडियो चालू करते हैं। और यहाँ पे लखनऊ का मौसम करंटली बहुत ज़्यादा बेईमान हो गया है, बहुत ख़राब है। कल अच्छा था, थोड़ा सन निकला हुआ था और हम लोग को एक इनवाइटेड इवेंट पे जाना था। पापा के एक स्टूडेंट हैं, उनका फार्म हाउस है, तो इसलिए मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया था। बट आज कुछ इनविटेशन नहीं, आज अपने मन से जो करना है वो कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मौसम के मौसम पे वापस आते हुए बहुत ज़्यादा स्मॉगी है, स्मोक प्लस फॉग, और मेरे ख्याल से कोल्ड वेव आई हुई है। तो मालूम नहीं, जितना हम लोग का लंबा स्टे था यहाँ पर लखनऊ का, उतनी ही लंबी कोल्ड वेव चली है। तो होपफुली सन वापस निकलेगा सून। और ये है हम लोग फिनिक्स मॉल के एंट्री पे, और बहुत अच्छी पार्किंग मिली है। जस्ट हम लोग अपना पैर फिट करने के करने की जगह थी। एनीवे, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। लेट्स सी। और से जैसे ही घुसते हैं मॉल में, तो यहाँ पे स्वागत किया जाता है ये डांसिंग औरत के साथ, और ऊपर काफ़ी अच्छा शैंडलियर लगा है। नीचे है H&M एंड लाइफस्टाइल। हम लोग को कहाँ जाना है मुझे मालूम नहीं अभी तक, वो सिक्योरिटी चेक हो गया। और हम लोग घुसे हैं लाइफस्टाइल में, और ये सेक्शन मम्मी और सोनी का फेवरेट। यहाँ पे बिक रहे हैं सारे मेकअप, और यहाँ पे भी जो बेसिक ब्रांड्स हैं, फास्ट ट्रैक, KCO, कोई अभी सेल नहीं देखेंगे, क्योंकि सेल देखेंगे तो ख़रीदने का मन हो जाएगा। तो सोनी की बात मानते हुए हम लोग जाते हैं उसके सेक्शन में। और ये है लेडीज सेक्शन, उसके आगे है बैग्स का, उसके आगे है कुछ और, और काफ़ी खाली है अभी। पर्थ में बेसिकली जितना भीड़ के दौरान क्राउड रहता है, यहाँ पे अभी उतना क्राउड है। सैश, ये इन्जॉइंग इट। और ये है इसका मैप, तो 4 लेवल पे है। ये है ग्राउंड लेवल, उसके बाद लेवल 1, 2, 3, और ये है लिस्ट ऑफ दुकान, बहुत बड़ा है। और तभी हम लोग जा रहे हैं इसके ऊपर वाला लेवल। सैश मेरे साथ है अंदर ही लाइफस्टाइल से। और ये है यहाँ पे मेल सेक्शन, पैंट 30% ऑफ, जैकेट, अच्छा है, विंटर्स चल रही है। और लेट्स सी, कुछ अच्छा दिखेगा तो लिया जाएगा। 40% ऑफ ऑन परचेज ऑफ 2 मर्चेंडाइज। और तो फर्स्ट फ्लोर पे मेल सेक्शन को टाटा गुड बाय बोलते हुए हम लोग जा रहे हैं ऊपर वाले सेक्शन में, जो मेरे ख्याल से है किड्स। और सोनी मुझे बोल रही है कि नॉर्मली ये जो डाउन एस्केलेटर पे भी ऊपर जा सकती है। और तो ये है बच्चों का सेक्शन, तो सारे जूते 40% ऑफ, और यहाँ पे मेरे ख्याल से साइज में कुछ देखा जा रहा है। और ये सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे, स्केचर्स, प्यूमा, और काफ़ी अच्छी डील भी चल रही है 40% ऑफ। तो फॉर एग्जाम्पल ये जूता अच्छा लग रहा है, 6,000 का है, तो 40% ऑफ होने के बाद मिल जाएगा 3,600। साइज है बहुत ज़्यादा परेशान। I don't know, I don't think so. Then let's look. Look over here. और ये है सारे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन, इस टाइप की टी शर्ट। तो सायश इसके सामने खड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन। Which one fits me? हाँ? Which one fits me?
तो साहिश को बहुत मन है ये मार्वल टी शर्ट्स लेने का. साहिश विच वंस? दिस वन एंड ओह हल्क वन. ओह विल सी बाय वन गेट वन का ऑफर है इसमें. ओके अरे तो साइज का ट्राई किया जा रहा है जैकेट पर. उसको ज़्यादा कंसर्न है अपनी टी शर्ट्स की जो सॉर्ट आउट हो रही है. अरे काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस में है. 250 रुपीज़ की ये सारी टी शर्ट्स. सो ये लोग देख रहे हैं क्वालिटी कैसी मुझे मालूम नहीं है. मैं यहाँ पे साइज को देख रहा हूँ और यहीं पे इन लोग को बना देना चाहिए चेंज रूम बच्चों का जहाँ पे गेम है क्योंकि यहाँ पे ला जा रहा है चेंज करने को ट्राई करने को. और सोनी मुझे फोर्स कर रही है जूते ट्राई करने को तो ये वाले ट्राई किए जा रहे हैं. अरे तो एक ये वाला और एक ये वाला पसंद आ रहा है बट आई डोंट नो दोनों में से एक लिया जाएगा. और अभी है पेमेंट टाइम. इसके बाद जाया जाएगा बाहर कहीं और. अरे तो साइज बहुत थक गया है बोर हो गया है तो आ गया है वापस मेरे कंधे पे. साइज व्हाट डू यू वांट टू से? कैन यू से आई हैव ट्रबल माय पापा अ लॉट? और यहाँ पे चल रही है अभी भारी भारी लड़ाई. बहुत सारी जो चीज़ें ली थी वो सोचे थे कि डिस्काउंटेड है बट डिस्काउंटेड नहीं है. तो शॉपिंग हो गई है हाफ. और यहाँ पे पिछले आधे घंटे से बैग पैक हो रहे हैं और सिक्योरिटी टैग निकाला जा रहा है वेरी स्लो. और ये एक ब्रांड है जिसका नाम है ग्लोबल देसी गर्ल. तो सोनी तुम वो ब्रांड से रिलेट करती हो? नो. तुम प्रॉपर देसी हो? और अभी हम लोग आए हैं बाहर लाइफस्टाइल से और ये है यहाँ का सेंट्रल एरिया जहाँ पे काफ़ी सारे डेकोरेशन दिख रहे हैं क्रिसमस के टाइम से अभी तक. लेट्स सी वेयर वी आर गोइंग नेक्स्ट. और यहाँ पे ये बॉल से बना हुआ क्रिसमस ट्री है और ये सांता है. ये कुछ तो अलग टाइप की माइनिंग व्हीकल चला रहा है लग रहा है. और ये कपकेक का फेरस व्यू. और चलते हैं नहीं तो छूट जाएंगे हम लोग पीछे. और यहाँ पे बीचों बीच में रखा है एक ये पियानो जिसके जो बैरिकेटेड है तो लुक्स लाइक रखा है देख सकते हैं बट कोई चला नहीं सकता है. ओ ग्लोबल देसी केक यहाँ पे भी दुकान है अंदर भी. और अभी हम लोग जा रहे हैं हम लोग कैचअप के लिए बाय द वे इबादत में. देखते हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से सोनी को कुछ चाहिए होगा. और अभी ग्रुप का यंगेस्ट और ग्रुप की ओल्डेस्ट दोनों लोग बैठ गए हैं और सोनी और भाभी देख रहे हैं कपड़े. और इन लोगों को कुछ पसंद आया नहीं अभी जा रहे हैं वापस बैक टू वेयर वी केम फ्रॉम. और एक नई टाइप की दुकान दिख रही है मिस्टर डी आई वाई. सो फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्ट्रेलिया में होती है बनिंग्स जहाँ पे सारे पार्ट्स और सारे घर में फिक्स करने की चीज़ें मिल जाती है वैसे ही लग रहा है मुझे. और यहाँ पे डू इट योरसेल्फ में कप्स भी मिल रहा है कि खुद ही चाय बनाओ डालो और पियो. डू इट योरसेल्फ ड्रिंक इट योरसेल्फ. अब पता चल गया इंटेंशन ये लोग देखने आए थे यहाँ पे रिंग्स ना रिंग्स नहीं चीज़ें. अरे तो एक घंटे में 6 एक्सेसरीज खरीदने के बाद अभी हम लोग जाएंगे बाहर. और यहाँ पे देखी जा रही है साइज की घड़ियाँ. और यही मिस्टर डी वाई आई के बाजू में है क्रोमा जहाँ पे है अंदर सैमसंग एप्पल और बाकी सारे ब्रांड्स. और ये सब इतना बड़ा मॉल बना दिया बट यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं है तो मम्मी को यहाँ पे खड़े होना पड़ रहा है अदरवाइज यहाँ पे बैठ जाती. और यही मॉल जहाँ पे मैं अभी ले रहा था शॉर्ट भी जो बीच में ये है दो काफ़ी ज़्यादा पेल लड़कियाँ जो कर रही है डांस और लोग उनके सामने फ़ोटो खिंचा रहे हैं. हम लोग स्किप करेंगे और ये लग रहा है कि बेसमेंट की पार्किंग होगा.
और अभी जो लेडीज़ हैं उन लोग ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि हम लोग पहले जाएंगे कुछ खा लेंगे ताकि क्रैंकी कम हो, उसके बाद आएंगे शॉपर स्टॉप में, फिर वो अटेंड करते हुए वापस आ जाएगा घर। और ऊपर वाला जो फ्लोर है यहाँ पे है आईनॉक्स, जहाँ पे होपफुली आई थिंक हम लोग आज शाम में आएंगे। और उसके यहाँ पे है सेम लेवल पे हाउस ऑफ कैंडी, जो बहुत ध्यान देखना पड़ेगा कि साइश उसको देखे ना, अदरवाइज लोचा हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक दुकान है कलर सेंस की, समझ में नहीं आता है कि इतनी सारी कलरिंग की दुकान है, बट सारे अपने ब्लैक का कलर, ब्लैक बाल के साथ ही दिखते हैं, ऐसा कोई कलर के भी बहुत कम लोग दिखते हैं मुझे, तो मानो यूज़ कौन करता है ये सारी फैसिलिटीज़। और यहाँ पे है फिश वेंगू करके मेरे ख्याल से साउथ इंडियन खाना है, डोमिनोज, पंजाब ग्रिल, और आई थिंक ये मोती महल यहाँ का लखनऊ का फेमस है, तो वहाँ पे जाया जाएगा। और चिकन की भी दुकान है, तो अभी हम लोग ने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ पे खाएंगे, ओह आई थिंक डिसाइड कर लिया है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है वाव मोमोज, तो ये भी खा सकते हैं फिर मुसाफिर, ये डुमाल में क्या है, ये लोग अभी बैठ गए बहुत ज़्यादा थक गए हैं शॉपिंग करके। और अभी हम लोग बस मेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, अभी उसके बाद जाएंगे डिस्कस करेंगे क्या खाना है, फिर हम लोग डिसीजन लेंगे। और तो बहुत ही आधे घंटे डिस्कशन के बाद हम लोग ने सोचा कि हम लोग मोती महल से मंगाएंगे पनीर चुर नान, कहाँ गया वो, ओह यहाँ रहा, और दाल मखनी, और मम्मी के लिए एक दही पूरी, और यहाँ से सिज़लर्स मंगाए जा रहे हैं। और यहाँ पे शेक्स की काफ़ी अच्छी दुकानें दिख रही है, चोको फाउंटेन, और साहिज भाई साहब को खाना है सबवे इंडिया आने के बाद, उसका बाहर का टेस्ट तो ये लिया जा रहा है। और ये मोती महल के अंदर ही ये बहुत ही बड़ा साइज़ का किचन है, जहाँ पे एटलीस्ट आधे डजन लोग काम कर रहे हैं, और बाहर से बहुत छोटे वाला दिखने वाला है बट अंदर से बहुत मैसिव है। ओह और मैं भाग के यहाँ पे आया है सिज़लर, वेज सिज़लर जो इन लोग ने ऑर्डर किया है। और तो ये आ गया है दही पूरी चूर टाइम्स टू, रोटी रोल, और सिज़लर, वेज सिज़लर। और खाना खा पी के हम लोग ने कर दिया पूरा सफ़र, चट पूरा नहीं खा पाए, थोड़ा पैक करके जा रहे हैं घर में। और यस, और सोनी और सायश नो जा, अभी वेट करना है मिल्क शेक का, इसको जाना है फन एरिया। और बहुत ही प्रॉब्लम हो गया है सुनीत को, जाना है यहाँ पे जो सारे राइड्स हैं, और ऑब्वियसली हम लोग का जाने का प्लान है नहीं। ओके, हम लोग ने ले लिया है शेक्स टेक अवे, अभी जाते हैं मेरे ख्याल से वापस घर। और यहाँ पे नरुलास का भी एक ये है दुकान, मेरे ख्याल से दिल्ली में हम लोग ने खाया था इसके यहाँ, और लखनऊ में भी खोल दी होगी ब्रांच। और ये है टाइम जोन गेमिंग सेंटर, जो साश परेशान कर रहा है। और यहाँ पे है आईनॉक्स, तो आज हम लोग का प्लान है रात में मूवी देखने का दृश्यम पार्ट टू, तो सोच रहे हैं कि यहाँ से टिकट ले लेते हैं उसके बाद जाएंगे घर। ठीक है, ओके थैंक यू। और ये है यहाँ का आईनॉक्स, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी फैंसी दिख रहा है, तो आज रात में यहाँ पे आया जाएगा। और जाते हैं वापस मम्मी और साइश के पास। और यहाँ पे हम लोग वापस आए तो मम्मी और साइश देख रहे हैं सारे लखनवी लोग को बॉलिंग करते हुए। और अभी हम लोग आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ पे ये सारी पेल लड़कियाँ डांस कर रही थी, और यहाँ पे मेरे ख्याल सोनी को कुछ देखना है। और ये अच्छा हुआ, ये जो स्टैचूज को खड़ा किया उसके डंडा उनके ड्रेस के पीछे डाला हुआ है, क्योंकि बहुत ही ऑड दिख रहा है, बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। और होपफुली लास्ट स्टॉप शॉपर स्टॉप। और तो मैं और साज गए थे अभी थोड़ा हल्का होने, और वापस आए सेम सेक्शन में, और ये लोग कहीं चले गए, तो राधा देर नस रुकेंगे, हम लोग यहीं पे वेट करते हैं, होपफुली ये लोग आ जाएंगे। और तो मैं शायद आधा घंटे से ढूंढने के बाद ये लोग आखिरकार यहाँ पे मिल गए हैं इस सेक्शन में। और सुनी रहा यहाँ पे देख रही है जैकेट, बट बहुत हार्ड टू प्लीज है, इसको कुछ पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि दुकान बहुत छोटी है, इतने ही कपड़े हैं बस। और शायद ने मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, तो इसका लेते हैं स्लोमो। और होनी थी ये लास्ट दुकान, बट अभी हम लोग वापस जा रहे हैं मॉल में, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिला नहीं है। ओह करेक्शन, हम लोग यहीं से घुसे थे और यहीं पे वापस जा रहे हैं, लग रहा है कि शॉपिंग नहीं जाएंगे। और यहाँ पे ये सेंटाज चॉकलेट कासल में मेरे ख्याल से भेजा जा रहा है साइज को, लुक्स लाइक। और यहाँ पे आ गए हम अंदर, यहाँ पे है
ओह यस यू विल हैव टू टेक योर शूज ऑफ, टेक इट ओवर देयर. और ये पास से सैंडा की राइड, ये है कैंडी शॉप, ये है स्लाइड और बॉल पिट. और साइश निकल लिए यहाँ पे भी, दोस्ती अपने दोस्त को बॉल मार मार के फेंक रहा है और इसको भी पड़ रही है बहुत सारी. और यहाँ पे बहुत ही मैसिव मैसिव पॉट में यहाँ पे लगा हुआ है ट्री. यस. और मैं और साइश कासल से बाहर आ गए हैं, अभी यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं इन लोग का. ये लोग कहीं गए हैं दूसरी शॉप्स में. और तो अभी हम लोग का शॉपिंग करके हो गया. मम्मी को जाना था वुडलैंड्स मेरे ख्याल से जैकेट लेने, बट वो हो गया है स्किप प्लान क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है. तो अब जाते हैं बाहर. और तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस घर, यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने, उसके बाद देखते हैं कि बात का प्लान है क्या. के हो रहे हैं अराउंड 5:05 और हम लोग का प्लान है जाने का. यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है रॉयल कैफे, वहाँ की चाट बहुत फेमस है, तो जाते हैं वो ट्राई करते हैं. और आई थिंक सभी जाने वाले हैं इंक्लूडिंग आशी. तो ये जो वीडियो था उसमें बच्चे सीख रहे थे कि ऐसा कैसे लेफ्ट राइट देख के फिर रोड क्रॉस करते हैं. और अभी मेरे ऊपर आके खांस रहे हैं. रॉयल कैफे की. अच्छा रॉयल कैफे की, भले कर ले, इसी मत चक्कर में पड़ना, ये ठीक नहीं होगा. अरे टाइम ही नहीं बचा है. हाँ तो वही तो बोलना, तो कल जाऊंगा तो मैं एक कप ले, एक प्लेट ले आके खिला दूंगा. क्या खाने जा रही हो तुम मेनली? राज कचौरी नंबर वन, बाकी ऐसा मेन्यू में जो जो, एंड बास्केट चाट नंबर टू, ये तो मस्ट है, बाकी मेन्यू में जो भी होगा. तो ये क्या था मंदिर? इसका नाम है मरी माता. मरी माता का मालूम नहीं, कोई माता मर गई होगी, बना दिया मंदिर. अभी हैं हम लोग हजरतगंज, जहाँ पे सारी जो नेम प्लेट है वो सब ब्लैक एंड व्हाइट है. और सोनी बोल रही है कि ये है लखनऊ का कनॉट प्लेस. हाँ. और पापा बोल रहे हैं यहाँ पे मैनुअल रिक्शा, क्या मतलब, जो अभी भी लखनऊ में चलता है. और तो हम लोग उतर गए यहाँ पे. दो है ब्रांच रॉयल कैफे की, एक है ये नंबर वन जो फेमस वाली है और एक और है आगे, तो इस वाली पे जाया जाएगा. और यहाँ पे पुलिस की भी गाड़ी खड़ी हुई है, पीयू पीयू कर रही है. और ये एक कोई तो गायक सेटअप कर रहा है, होपफुली सेटअप हो जाए जल्दी और हम सुन सके. और इतनी सर्दी है कि यहाँ पे कोयला चालू था कहीं पे. ओ ये लोग, इन लोग के पीछे जो रेड स्वेटर पहने हैं. और खाने तो आए थे चाट, बट यहाँ पे साहिश को और आशी को लग रहा है खरीदना कुछ टॉय, तो चेंज ऑफ प्लान्स. और ये है इन लोग की फेमस बास्केट चाट जो यहाँ पे बन रही है. और यहाँ पे लग रहा है मुझे गाजर का हलवा एंड गुलाब जामुन. और ये है बास्केट चाट जो हम लोग ने भी ऑर्डर की है, जो बन रही है. और यहाँ पे है चाट कुल्फी का सेंटर, और अंदर बैठने का भी जगह है जहाँ पे हम लोग को मालूम नहीं था, तो अभी हम लोग को मालूम पड़ा तो जा रहे हैं अंदर. और तो हम लोग का खाना गया है बास्केट चाट, ये है पापड़ी चाट और दही भल्ला भी यहीं पे कहीं पे है. और ये है इन लोग का रेस्टोरेंट एरिया. और ये बास्केट में अंदर सब कुछ है, एक दही बड़ा, पापड़ी और एक एक्स्ट्रा मीठी चटनी देते हैं और टिक्की भी.
और तो अभी हम लोग का प्लान है खाने का पानी पूरी। यहाँ पे अलग अलग टाइप की पानी है और उसके बाद खाएंगे कुल्फी। और तो आगे कोई तो बहुत फेमस चाय वाला है तो वहाँ पे आप जाएंगे पियेंगे चाय। और यहाँ पे सिटी के बीचों बीच है ये कैथेड्रल, काफी सुंदर दिख रहा है रात में। और आधा घंटा चलने के बाद ये है माँ दुर्गा रेस्टोरेंट और उसके ही ऑपोजिट है ये शर्मा जी की चाय, जहाँ पे आई थिंक हम लोग को जाना है तो होपफुली इट्स गोना बी वर्थ इट। और यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं चाय और मैं बच्चों को लेके आया यहाँ पे बैठने के लिए, बाजू में ही छोटा सा सिटिंग एरिया है और सबसे अच्छा व्यू यहीं से देख मिल रहा है सबसे दूर से। और यहाँ बन रही है मस्त चाय। और इस दुकान में इतने सारे जो ग्रे हुडी पहने हुए हैं सब लोग हैं ऑर्डर्स लेने के लिए। और ये पूरा टेबल है राउंड जहाँ पे लोग ऑर्डर दे रहे हैं और यहाँ पे खड़े हुए, प्लस बाजू में पार्क है वहाँ पे भी खड़े हुए हैं। और ये जो है शर्मा जी की चाय वो यूपी टूरिज्म से भी रिकॉग्नाइज की गई है। और ये देखिए स्पीड जिससे यहाँ पे चाय बन रही है अंदर, ऐसे ही नहीं क्या बोलते फेमस हुआ है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत चल रही है बैकग्राउंड में। और तो अभी हम लोग रिक्शा की सवारी लेके आ गए हैं वापस जहाँ पे पार्किंग थी, तो उसमें इतना कंजस्टेड था कि मौका नहीं मिला, तो अभी वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आएगी तो उसमें बैठेंगे और जाएंगे वापस घर। और तो यहीं हम लोग को दिखा मोमोज का ठेला, तो रात में स्नैक्स के लिए थोड़े ले लिए हैं मोमोज। और ये है मोती महल जहाँ पे हम लोग ने आज किया था लंच, इसी की ब्रांच थी कौन से मॉल में, फिनिक्स नहीं पलासियो। और बहुत ही अनोइंग चीज़ है ये है यूपी में पार्किंग का सिस्टम, तो एक ये प्रॉपर अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। और ये है एग्जिट, उसमें अभी तक ये गाड़ी रुकी थी, अभी जस्ट चालू की है, ये गाड़ी अभी तक रुकी हुई थी और ये गाड़ी यहाँ पे पार्क्ड है फॉर नो रीज़न, उसके पीछे एक और गाड़ी पार्क्ड है फॉर नो रीज़न। और ये लाइन से यहाँ पे सारी टू व्हीलर्स पार्क्ड ब्लॉकिंग द एग्जिट, वेरी वेरी अनोइंग। और ये जो हम लोग ने अभी देखा वो है यूपी गवर्नमेंट का सचिवालय, सचिवालय का इंग्लिश नेम क्या होता है, असेंबली। और तो अब हम लोग आ गए हैं वापस घर, अभी रात का वक्त हो रहा है, खाना वाना का तो वहीं पे खा चुके थे। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे बंद, वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, बहुत पसंद आया कर दीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब, और तो अगली वीडियो में बाय।